नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। भारतीय जनता पार्टी देकर शाम लंबे इंतजार के बाद अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में 20 राज्यों के 184 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। सबसे चौंकाने वाला नाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह का था, जिन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की जगह गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने को कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के अनुसार अमित शाह चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, मगर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा। बताते हैं कि श्री आडवाणी के लंबे समय बाद गांधीनगर सीट से चुनाव न लड़ने के कारण पार्टी गुजरात की 26 सीटों से किसी एक सीट से किसी बड़े नेता को चुनाव लड़ाने के पक्ष में थी, ताकि गुजरात के लोगों को यह महसूस न हो कि कोई बड़ा नेता गुजरात से चुनाव नहीं लड़ रहा। वहीं अमित शाह को गांधीनगर की सीट ऐसे ही नहीं मिल गई। पार्टी ने श्री आडवाणी को अपनी बेटी प्रतिभा आडवाणी अथवा बेटे को गांधीनगर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया, मगर उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे परिवारवाद के पक्ष में नहीं हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्री आडवाणी 50 वर्षों से अधिक समय से राजनीति में हैं, मगर उनका बेटा बेटी राजनीति में नहीं है। इसके बाद पार्टी के सामने अमित शाह को ही चुनाव लड़ माने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं थे, क्योंकि अमित शाह पिछले 20 वर्षों से श्री आडवाणी के चुनाव का प्रबंधन करते रहे हैं तथा वे गांधीनगर लोकसभा सीट से संबंधित एक सीट से लंबे समय से विधायक रहे हैं। इस प्रकार गांधीनगर सीट से अमित शाह को उम्मीदवार बनाया गया।